हाय गाइस, मेरा नाम शुभम उपाध्याय है। मैं मुंबई से रहने वाला हूँ। मैंने करीब 6 महीने पहले जून के महीने में लॉकडाउन में इंतज़ार सर से स्पीच थेरेपी ली थी। अब तक मैंने ज़्यादा नहीं, बस 3-4 सेशंस ही लिए हैं। तो उन 3-4 सेशंस में जो मैंने सबसे ज़्यादा बात सीखी है वो है ब्रीदिंग एक्सरसाइज एंड हाउ टू स्लो डाउन योर स्पीड वाइल टॉकिंग। एक तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है और दूसरी कि आप जो बात करते हैं तो आपकी स्पीड कितनी होनी चाहिए वो भी बहुत ज़रूरी है। मैंने ये हमेशा ऑब्ज़र्व किया है कि जब मैं कोई बात फास्ट बोलने को ट्राई करता हूँ मैं उसमें स्टैमर कर ही बैठता हूँ। और जो हम स्टैमरर्स होते हैं, हमारी एक दिक्कत होती है फास्ट बोलने की। हम ये सोचते हैं कि हम कितने जल्दी अपनी बात बोल के ख़त्म कर दें, और बात तेज़ बोलने के चक्कर में हम स्टैमर कर बैठते हैं। मैंने जितनी भी बार एकदम लंबी सांस लेके धीरे धीरे बात किया है, वर्ड्स को स्ट्रेच करके, जैसे मैं मान लो किसी वर्ड पे अटकता हूँ, मैं मान लो स्टैमर करता हूँ श वर्ड पे, और मुझे अगर मेरा नाम बोलना है तो मैं ऐसे बोलूँगा, मेरा नाम शुभम है। सो वैन यू स्ट्रेच द वर्ड्स यू विल नॉट स्टैमर एट इट। जब आप उस शब्द को खींचोगे, आपको जिसमें बोलने में दिक्कत होती है, फिर आप उस पर स्टैमर नहीं करोगे। तो ये कुछ बेसिक ट्रिक्स हैं जो कि यूज़ करनी चाहिए हमें बात करते वक्त। और दूसरी बात, एक कॉमन